हेलो दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी कैरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनूप कुमार कश्यप आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस बार जो NVS का एग्ज़ाम हुआ, किसका, नॉन टीचिंग का, उसमें कितने एप्लीकेंट ने वो एग्ज़ाम दिया था, इट मीन्स कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। तो आज मैं बताऊँगा आपका लैब अटेंडेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और केटरिंग असिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज लैब अटेंडेंट का। तो लैब अटेंडेंट में टोटल एप्लीकेंट थे 19,050, जिसमें से UR 12,218, SC कैटेगरी 36,558, ST कैटेगरी 12,886, EWS 4,645 और OBC 23,743। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको टोटल डाटा, ये मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने RTI के थ्रू नवोदय विद्यालय समिति से मांगा था। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये कन्फर्म है, इतने एप्लीकेंट ने लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया था। अब सेकेंड में मैं बताऊँगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इट मीन्स क्लर्क, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें टोटल एप्लीकेंट थे 1,82,393, जिसमें UR 20,520 थे, SC 85,831 थे, ST 30,779 थे, EWS 8,000 के लगभग थे और OBC 37,000 के लगभग थे। तो ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट के नंबर हैं। अब इसमें से कितने अपीयर हुए उसका डाटा हमारे पास नहीं है, तो कुछ इसमें से एब्सेंट हो सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे केटरिंग असिस्टेंट की, केटरिंग असिस्टेंट में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। तो केटरिंग असिस्टेंट में टोटल अप्लाई करने वाले स्टूडेंट थे 5,009, जिसमें से UR 1,580, SC कैटेगरी 1,470, ST 320, EWS 198, OVC 1,441। तो ये रहा, इतने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था 5,000, बच कुछ कम हो सकते हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा। तो ये टोटल तो मैंने आज तीन के बारे में आपको बताया। अब 18 मार्च को आंसर शीट आने का चांस है, बट केटरिंग असिस्टेंट का एक जगह पेपर कैंसिल हुआ था ड्यू टू टेक्निकल इशू, तो उसमें शायद डिले हो सकता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।